नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस आजकल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कोरोना महामारी में जान गंवा रहे पीड़ित परिवारों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं जिसको लेकर आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के उपनेता सरबजीत कौर मानुके और विधायक मीत हेयर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तरह हर राज्य में कोरोना से पीड़ित परिवारों को इस तरह ही मुआवजा देना चाहिए। इसी के साथ ही सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। बुधवार को पार्टी मुख्यालय में विधायक सरबजीत कौर मानुके और विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि कोरोना महामारी ने दिल्ली में बहुत बुरा असर दिखाया है, जिस कारण बहुत से बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और हजारों परिवारों के कमाने वाले भी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात काम किया है। इसी के साथ ही कोरोना पीड़ित परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए नकद राशि और पेंशन देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रहने वाले कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपए 25 साल की आयु तक देने का फैसला किया है, जबकि पारिवारिक सदस्यों की कोरोना से मौत होने पर 2500 रुपए पेंशन देने का फैसला किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इसी तरह से ही हर सरकार को कोरोना से जान गंवा रहे परिवारों के लिए आगे आना चाहिए, इसी के साथ ही उनकी मदद करनी चाहिए। अज गल कर रही हैं पंजाब के मौजूदा हालातों की। अज सब तो पहला तो पंजाब दे विच पंजाब दे लोकां दे अगे पेश होके कैप्टन साहब नूं माफ़ी मंगनी चाहीदी है कि पंजाब दे वासियों, जदों पंजाब दे विच WHO कह रहा सी, पूरा संसार बोल रहा सी भी हुण सैकेंड वेव आने वाली है, फस्ट वेव आके साड़ी निकल चुकी सी, सैकेंड वेव आने वाली आ। उस समय मैं अपने शाही घर महल दे विच सिस्मा दे विच बैठ के आराम फरमा रहा सी। उस समय मैं ना तो कोई सरकारी हस्पताल दे विच पुख्ता प्रबंध करवा सकिया, ना ही मैं लोगों दी जाना किस तरह बचाउणियां इहदे ते कोई पॉलिसी बना सकिया। सब तो बड़ी गल ये है कि कैप्टन साहब मशरूफ रहे अपनी अगली सत्ता संभालण दे लई 22 दी रणनीतियां तैयार करन लई, जिदे चो उन्हां दा काटो कलेश भी जग रहा है, ना उधर दे रहे ते ना लोगों ने हक दे विच बोले। अज पंजाब दे विच सब तो बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकारी हस्पतालों दे विच वेंटीलेटर की घाट है, ऑक्सीजन की घाट है। सब तो मंदभागी गल यह है, पिछले जे तुसीं भी खबर सुनी होनी है, वेंटीलेटर साढ़े 62 वेंटीलेटर फरीदकोट के होस्पिटल दे विच पए गल गए, क्योंकि साढ़े कोल उत्थे चलाउण दे बंदे नहीं सी। जिथे कैप्टन साहब नूं सेहत कर्मचारियों नूं ते होर पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स नूं भर्ती करके वध तों वध मेहनत दे नाल ते तनदेही दे नाल इन्हां नूं कम करन लई इनिशिएटिव देना चाहीदा सी। उत्थे कैप्टन साहब ने समय समय ते इन्हां ते तरां तरां दीआं शर्तां रख के ऐसा डंडा चलाया कि ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अज जिथे पिछे जे इन्होंने प्राइवेट होस्पिटल्स के बैड्स से कैपिंग लगाई है, इन्होंने कहा भी प्राइवेट बैड्स से इन्ना रेट फिक्स चार्ज कर सकते हैं। पर सब तो हैरानी वाली गल है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो लॉकडाउन का फैसला लैन की गल की सी, पंजाब दे विच उस समय कहने भी DC अपने अपने लैवल पर फैसला लैन, सरकार कादी खतर हुंदी है। सरकार हुंदी है पंजाब दे लोकां दे हितां दी राखी करन लई, सरकार हुंदी है पंजाब दे लोकां दी गल करन दे लई। पर जे DC ने लैणा हुण कुछ एरियाज़ दे विच प्राइवेट होस्पिटल्स दे बैड्स दा रेट तां कैपिंग दी फिक्स हो गई, कुछ एरियाज़ दे विच एंबूलेंस दा रेट फिक्स कर चुके आ, कुछ एरियाज़ च अजे तरह उस तरह दी मनमानियां चल रही, दवाइयां ते कोई कैपिंग नहीं, साढ़े लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर से कितने किन्ना लगेगा की है कुछ नहीं पता। साढ़े पेशेंट नूं उह जिहड़ा रेमडेसिविर इंजैक्शन है वह चाहिए, कितों नहीं, ना सरकारी चो मिलता ना प्राइवेट चो मिलता। हरेक पंजाब दे जिले की यह समस्या बनी हुई है, तो लोग तो बिना ऑक्सीजन तो बिना इंजैक्शन तो बिना बैड तो मर रहे हैं। तो जदों सरकार नूं चाहिए सी कि सिर जोड़ के बैठ दे, जिवें दिल्ली की सरकार बैठी तो लोगों की सहूलत लैके आई, जदों चाहिए सी कि असी देखिए कि किहड़े होस्पिटल किन्ने बैडा की कमी है, किहड़े होस्पिटल किन्ने डॉक्टरों की कमी है, कितने इंजैक्शन की कमी है। तो उदों एक दूजे नाल ही कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज़ चद कदे चार मंत्री किसी के घर इकट्ठे हो जाते हैं, चार वधा किसी के घर इकट्ठे हो जाते हैं। कि ये सारे थोड़े इकट्ठे होने किसी कुर्सी पर लाने किसी कुर्सी पर बिठाने पंजाब के मसले हल हो जाएंगे।